खबर का 100 करोड़ कांड पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली तलब किए गए हैं। एनसीबी अध्यक्ष शरद पवार को दिल्ली बुलाया गया। महाराष्ट्र में मंत्री जयंत पाटिल भी दिल्ली तलब किए गए हैं। अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार आज दिल्ली तलब किए गए हैं। जी, बड़ी खबर पर बात करने के लिए रुक करते सीधे अभिषेक के पास। हमारे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ जुड़े अभिषेक। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जिसने इस बात की तस्दीक की है, इस बात पर मुहर लगाई कि हाँ, वो चिट्ठी पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने लिखी थी। यानी अभिषेक, ये कहें कि जो सवाल लगातार इंडिया न्यूज खड़े कर रहा था कि आखिर सचिन वाजे का बॉस कौन है, उसका पॉलिटिकल बॉस कौन है, अब इस चीज से तस्वीर साफ हो गई है कि अनिल देशमुख ही वो शख्स है, वो आदमी है जो लगातार वाजे को लगातार बता रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से घटना को अंजाम देना है। और बिल्कुल देखिए, परमबीर सिंह की जो पत्र की माने तो जाहिर सी बात है उन्होंने खुलकर बहुत सारी बातें लिख दी हैं और साफ तौर पर उन्होंने पूरी तरीके से कलई खोलकर रख दी है किस तरीके से काले कारनामे इस सरकार द्वारा किए जा रहे थे। और बल्कि जिस तरीके से देखिए, पहले ही बीजेपी द्वारा इस मामले में लगातार आक्रामक थी कि किस तरीके से इसमें परमबीर सिंह वह शख्स नहीं हो सकते हैं कि सचिन वाजे वह शख्स नहीं हो सकते हैं कि उनकी अपने बदौलत यह सब काम कर सके, इसके पीछे जरूर कोई पॉलिटिकल आका है। तो पॉलिटिकल आका कौन है, साफ निकल के आ गया कि अनिल देशमुख है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री। तो जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। सबसे खास बात देखिए है कि देश में कह सकते हैं पहली बार ऐसा होगा इतिहास में शायद कि कोई वर्किंग आईपीएस ऑफिसर, और भी बड़ा आईपीएस ऑफिसर, कोई ऐसा नहीं कि साइडलाइन कर दिया गया हो उसको, और वह आईपीएस ऑफिसर साफ तौर पर अपने ही सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी हो, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक एक नहीं बल्कि दो आईपीएस ऑफिसर, एक संजय पांडे करके जो डीजी होमगार्ड थे उनको ट्रांसफर किया गया हाल ही में, उन्होंने भी पत्र दागी जताई है। तो सबसे लेकिन हैरानी की बात है कि अपनी सरकार के ऊपर, अपने ही बॉस के ऊपर, जो उनके गृह मंत्री यानी किसी भी पुलिस वाले का सीधे सीधे बॉस होता है, उस बॉस के ऊपर साफ तौर पर कह देना कि वसूली वाला मंत्री, तो जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि शरद पवार जो कि जिनके पार्टी से अनिल देशमुख मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली तलब किया है तमाम बड़े नेताओं को, जो जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं एनसीपी के, और अजीत पवार जो कि डीसीएम है महाराष्ट्र के, इन लोगों को तलब किया है। हो सकता है बड़ा फेरबदल हो सकता है क्योंकि इस पूरे मामले पर शरद पवार, हालांकि पहले आपको पता होगा कि उद्धव ठाकरे से मुंबई में सोमवार को मुलाकात कर चुके थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि एक्शन लेना है, और एक्शन लिया गया परमबीर सिंह के ऊपर। लेकिन अब परमबीर सिंह जो बम फोड़ा है वह साफ तौर पर सरकार को ले डूबने वाला जो लेटर लिखा हुआ है। ठीक है अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। तो एक बार फिर से बता दें, देश का पहला न्यूज चैनल इंडिया न्यूज है जिसने इस बात की तस्दीक की, इस बात पर मुहर लगाई है कि हाँ, वो चिट्ठी परमबीर सिंह ने लिखी थी और उन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पे इस बात को एक्सेप्ट भी किया। बिल्कुल, और देखिए अब शिवसेना सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। महाविकास अघाड़ी दल का लग रहा है कि अब गठबंधन टूट जाएगा क्योंकि शरद पवार ने जयंत पाटिल और अपने दूसरे सहयोगियों को दिल्ली तलब किया है, और इसके बाद अब मुश्किलें उद्धव ठाकरे की बढ़ती जा रही। इसी बीच एक और बड़ी खबर, लेटर कांड के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। अनिल देशमुख के खिलाफ राज्य भर में बीजेपी आज हल्ला बोल कर रही है, आज बीजेपी ताबड़तोड़ प्रदर्शन करने वाली है। जी हां, कल देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर ये बात सच है, अगर देश का एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर ये खबर लिखता है, ये बात बताता है, तो अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए और आज बीजेपी इसे लेकर प्रदर्शन करेगी। वहीं राज्यपाल कोश्यारी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो राष्ट्रपति से बात करने वाले हैं और ऐसा मुमकिन है, संभव है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर दिया जाए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस लेटर बम के बाद लगातार सियासी भूचाल आता हुआ दिखाई दिया। वाजे का बॉस कौन, लगातार ये सवाल उठ रहा था क्या अनिल देशमुख, हालांकि जिस तरीके के आरोप परमबीर सिंह ने लगाए, और ऐसे में अगर ये बात सच साबित होती है तो ये कहना शायद मुनासिब होगा कि जी हाँ, अनिल वाजे का बॉस अनिल देशमुख ही है। वही एंटीलिया केस में वसूली कांड लगातार जारी रहा, 100 करोड़ की उगाही का प्लान अनिल देशमुख की ओर से दिया गया सचिन वाजे को, ये कहना रहा परमबीर सिंह का। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, आपको आएंगे लौटेंगे दोबारा।